ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल इन बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। बायोलॉजी लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ लाइफ। एज यू ऑल नो, बायोलॉजी क्या है? जो लाइफ की स्टडी है, जो हम जी रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी स्टडी को हम कहेंगे बायोलॉजी। लाइफ साइंस अटेम्प्ट्स टू यूनाइट द लिविंग थिंग्स मिस्टीरियस, फ्रॉम द वर्किंग ऑफ प्रोटीन मशीन टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, फ्रॉम अ सिंगल सेल टू मेजिस्टी एंड इंटरेस्ट ऑफ होल इकोसिस्टम। बेसिकली बायोलॉजिकल जो साइंस है उसने हमारी जो लाइफ की काफ़ी सारी जो मिस्ट्रीज हैं उसको सॉल्व किया है। ठीक है, हमारी बॉडी की कैसे फंक्शनिंग हो रही है, कैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे एक सिंगल सेल कंप्लीट इकोसिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो गया है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें बायोलॉजी ही बताती है। ठीक है, तो इट टेल्स राइट फ्रॉम द सेल टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द क्रिएचर्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। देन कम्स हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इफेक्टेड ड्यू टू जीन म्यूटेशंस, हाउ इकोसिस्टम चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेट, वॉट कैन ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन। सो एवोल्यूशन इज अ चेंज इन हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस। एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस गिव राइज टू डाइवर्सिटी एट एवरी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल। ऑल लाइफ ऑन अर्थ शेयर्स अ कॉमन एंसेस्टर नोन एज द लास्ट यूनिवर्सल एंसेस्टर्स। इन द मिड 19th सेंचुरी चार्ल्स डार्विन फॉर्मुलेटेड द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, वाइल इन 20th सेंचुरी द मॉडर्न एवोल्यूशनरी सिंथेसिस इंटीग्रेटेड क्लासिकल जेनेटिक्स। एवोल्यूशन इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न साइंस, accepted as one of most reliably established of all facts and theories of science based on evidence, not just mathematics and other scientific discipline as well as behavioral social sciences. तो आपको जैसे कि पता है कि हमारी बॉडी जो है वो जीन्स की बनी हुई है। ठीक है, तो जो जीन्स है वो ही हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर वो सब तय करते हैं, और जो जीन्स है वो हेरिडिटी थ्रू हमें आगे पास ऑन होता रहता है। तो बेसिकली क्या है, जैसे हम अगर अपने एंसेस्ट्री लेवल पे जाएं, तो आप अगर नोट करें तो अगर हम पीछे मूव करते हैं हमारे फादर्स, ग्रैंड फादर्स और फिर अर्ली, जो अर्ली फादर्स जो थे, तो यू नो एवरीवन कि अर्ली मैन वर देयर। ठीक है, तो अगर वहाँ से भी अगर हम मूव करें पीछे, तो हम जो हमारी जो स्पीसी है, चाहे मैं अपनी बात करूँ या आप अपनी बात करें, हमारी जो स्पीसी है वी आर फ्रॉम द जीन्स जो हमारे अर्ली फोर फादर्स के थे, वो जो अर्ली मैन थे उससे भी पुराना हम कह सकते हैं, वहाँ से शुरू होते हैं। देन अर्ली मैन आए, अर्ली मैन से आगे जो एवोल्यूशन होती रही, जीन्स में चेंजेस आते गए, म्यूटेशन होती रही। म्यूटेशन उसके अकॉर्डिंग होगी जो अभी प्रेजेंट आपकी नीड है, नेसेसिटी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी उस हिसाब से अडेप्ट हो जाती है। ठीक है, आपकी बॉडी अडेप्ट होगी और देन वो जो हमारी जीन्स है वो आगे हमारी जो जनरेशन उसे आगे पास ऑन हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी में जिन ऑर्गन्स की या जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, वो धीरे धीरे चीज़ें इरेडिकेट, एलिमिनेट होती जाती हैं, और जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है, जो आपकी लाइफ में आगे काम आती हैं, लाइक योर बॉडी स्ट्रक्चर या कुछ भी इंटरनल है, या कुछ चीज़ आपको, आप स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ को पाने के लिए भी, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आगे एड ऑन होती जाती हैं और आगे जनरेशन टू जनरेशन पास होती जाती हैं। तो इस तरह से इवॉल्वमेंट होती जाती है आप एज ए ह्यूमन बींग। जो इवॉल्वमेंट है वो हमारे जीन्स की म्यूटेशन के थ्रू होती है। तो एक ह्यूमन बींग जब इवॉल्व होता है, तो कंप्लीट हमारा इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम में हम बिल्कुल इंसेक्ट्स लेवल से लेकर एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग, सब सब इंटरकनेक्टेड है, तो उसमें भी कंप्लीट चेंज आता है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म जब म्यूटेशन के कारण जीन्स में चेंज आती है, तो उसके कारण उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनिंग में चेंज आती है, एंड देन इकोसिस्टम में भी चेंज आती है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि जो बायोलॉजी है वो हमें राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो कैसे ओरिजिन हुआ है, कैसे एवोल्यूशन हुई है, उसके बारे में बताती है। अच्छा, ओके स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग मी? ऑडिबल है वॉइस? यस मैम।
in college, college students. यस मैम, ठीक है, चलिए. यस मैम, ओके. देन कम्स हमारा जो ह्यूमन जेनेटिक में जो वेरिएशंस आ रही हैं, ह्यूमन के जो हमारे जीन्स हैं उसमें चेंजेस आ रही हैं. तो हम अपनी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे तो ह्यूमन में बहुत चेंजेस आई हैं. हमारे अर्ली फोर फादर से लेके आज तक अभी भी चेंजेस हैं, और आने वाली जनरेशन में भी काफ़ी आप देख रहे हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके फेशियल फीचर्स में, बॉडी एवरीथिंग में, उनमें भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर क्लाइमेट. आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका अगर मान लीजिए आप एक नॉर्मल ह्यूमन बींग, आप एथलेटिक बन जाते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो बॉडी में, तो आगे जो जनरेशन आपकी होगी वो भी उसकी वो बॉडी भी फिट बॉडी होगी. जीन्स ट्रांसफर करेंगे नो डाउट, लेकिन वो जेनेटिक लेवल भी उसमें थोड़ी वो चीज़ नज़र आएंगी. और अगर हम देखें अपने फोर फादर्स को, तो जैसे उनकी टेल्स होती थी उस टाइम उनकी, जैसे मॉन्कीज में भी हम देखते हैं अभी, और तो वो टेल्स उस टाइम उस हिसाब से काम आती थी, लेकिन जैसे जैसे एवोल्व होते गए वो, तो उसके अकॉर्डिंगली वो टेल रिड्यूस होती गई एंड देन वैनिश होती. डायनासोर्स तक लेकर चले बात को, तो वो भी इसी तरह से हैं, वो भी इवॉल्व होते गए एंड धीरे धीरे वो भी उनका भी स्ट्रक्चर चेंज होता गया, इनफैक्ट वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही हो गए. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एवोल्यूशन बताती हैं कि एवोल्यूशन में कैसे इनहेरिट करते हैं हम ट्रेड्स को. ठीक है, पॉपुलेशन कैसे आगे, जनरेशन सक्सेसिव जनरेशन कैसे आगे बढ़ती हैं. तो डाइवर्सिटी इज देयर इन बायोलॉजिकल साइंस. हम देखते हैं बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग में हैं, और वो प्लांट्स में भी आ जाते हैं, एनिमल किंगडम में भी आ जाते हैं. तो वो डाइवर्सिटी बिल्कुल हमने क्लासिफाई की हुई है, आपने स्कूल टाइम में बुक पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइज है. ऑल लाइफ ऑन अर्थ शेयर ए कॉमन एंसेस्टर नोन एज द लास्ट यूनिवर्सल एंसेस्टर. तो वही हम यही कहेंगे कि अल्टीमेटली एक लास्ट लेवल से भी शुरू होता है एंसेस्टर, तो वहीं से वो जो सेल्स बने हैं हमारे, तो वहीं से शुरू होकर आगे पास ऑन जनरेशन में होते आए हैं. ठीक है, तो डार्विन ने जो थ्योरी दी है कि वही एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन 20th सेंचुरी में, तो इसमें आपको अगर नोट करना है डार्विन साइंटिफिक थ्योरी, तो आपको बताना भी है कि क्या थ्योरी दी है. 20th सेंचुरी द मॉडर्न एवोल्यूशन सिंथेसिस इंटीग्रेटेड क्लासिकल जेनेटिक्स. ठीक है, तो एवोल्यूशन इज ए कॉर्नर स्टोन ऑफ मॉडर्न साइंस, एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबली एस्टैब्लिश्ड ऑल फैक्ट्स एंड थ्योरी ऑफ साइंस बेस्ड ऑन एविडेंस. मतलब जो भी चीज़ें हैं साइंस ने जितना भी हमें दिया है, जो भी पुरानी जनरेशन के बारे में जो भी नॉलेज है, वो सारी एविडेंस बेस्ड है, ऐसे ही फेक नहीं है, तो उसके सारे प्रूफ्स भी हैं. फॉसिल्स आर देयर जो हमें पुरानी अपनी जो लाइफ है उसके सारे प्रूफ भी हमें देते हैं. देन कम्स ओरिजिन ऑफ लाइफ हैव वेरियस थ्योरीज. ठीक है, अब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई है उसकी थ्योरीज हैं. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, देन इज कॉस्मिक कॉस्मोजोइक थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, और थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. ठीक है, तो ये थ्योरी से कैसे ओरिजिन हुआ है. देन कम्स थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. सो अर्लियर इट वॉज थॉट दैट लाइफ इज क्रिएटेड बाई सम सुपर नेचुरल पावर. दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई अ स्पेनिश मॉन्क फादर स्यूड्रेस. The theory of special creation accepted by most of the world's religions. It stated that life was created by wishes of divine being or some supernatural power, the creator of God. ठीक है, तो स्पेशल क्रिएशन है, जैसे कि पहले भी आप अभी भी लोग सोचते हैं कि ये भगवान ने बनाया है, तो सुपर नेचुरल पावर है जिसने ये सारी गैलेक्सीज है, सारा सिस्टम, पूरा वर्ल्ड, पूरा यूनिवर्स क्रिएट किया है. तो सम सुपर नेचुरल पावर इज विच इज बियॉन्ड अवर नॉलेज, बियॉन्ड अवर थिंकिंग. तो वो जो सुपर नेचुरल पावर है उसको गॉड का नाम दे दिया गया है. ठीक है, तो वही उसी गॉड ने ही सब कुछ क्रिएट किया है. ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एल्गे, एनिमल्स एंड प्लांट्स वर क्रिएटेड एट द सेम इंटरवल विदाउट एनी रिलेशनशिप विद वन अनदर. ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि ऐसा नहीं है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया और उसके बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन बींग आया. तो दिस थ्योरी सेज कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी था, फंजाई भी थी, एल्गी, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे एट अ टाइम प्रेजेंट थे एंड दे इवॉल्व स्लोली. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, एल्गी, एनिमल्स एंड प्लांट्स, दे वर ऑल टुगेदर प्रेजेंट एट द टाइम, और दे धीरे धीरे जैसे उनकी इवॉल्व होते गए,
एवोल्यूशन होती थी, उनके ब्रेन्स में चेंजेस आते रहे, तो उसकी फॉर्म बदलती थी। दे वर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म इन विच दे एग्जिस्ट इन टू एट प्रेजेंट, हैविंग अंडरगॉन नो चेंजेस सिंस देयर क्रिएशन। तो अभी जैसे हैं, जैसे माइक्रोबियम वो वैसे ही थे, बैक्टीरिया तो वो पहले ही बैक्टीरिया थे, हाँ उसकी जीन में थोड़ी बहुत म्यूटेशन, अदरवाइज जो फॉर्म है उनकी वही है। देन केम्स कॉस्मोजोइक थ्योरी। दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय रिचर इन 1865। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये थ्योरी कहती है कि जो अर्थ पे लाइफ है वो जो हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स हैं वहाँ से स्पोर्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और अर्थ पे गिरे, तो वहाँ से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज कॉस्मोजोआ। ठीक है, कॉस्मोजोआ थ्योरी को नाम दिया गया। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन या ए बायोजेनेसिस क्या कहते हैं? लाइफ ऑन अर्थ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी इंटरप्शन। ये कहते हैं कि जो लाइफ है वो बिना क्या नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू ही पैदा हुई है। लाइक जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं। ठीक है, तो ओरिजिन जो हुआ है वो नॉन लिविंग थिंग्स से हुआ है, जिसमें कोई भी रुकावट नहीं आई नॉन लिविंग थिंग्स से। जो तो सेल्स हैं वो बढ़ते गए और नई तरह तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बन गए। लुईस पास्टर डिसअप्रूव दिस थ्योरी एंड गेव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दैट लाइफ ओरिजिनेटेड ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ और बायोजेनेसिस। ठीक है, तो लुईस पास्टर ने कहा कि नहीं, नॉन लिविंग से नहीं हुआ है, ऑलरेडी ही एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ थी, ऑलरेडी प्रेजेंट थी, तो वहीं से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई है, दैट इज बायोजेनेसिस। देन कम्स द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। एज एन एवोल्यूशनरी थ्योरी वॉज गिवन मच क्रेडिट वेन स्टैनले मिलर कंडक्टेड हिज फेमस एक्सपेरिमेंट ट्राइंग प्रूव द इनऑर्गेनिक बिगिनिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ए बायोजेनेसिस जो है मींस वही नॉन लिविंग वाला आ जाता है, उसमें भी एवोल्यूशन हुई है। तो स्टैनले मिलर ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि इनऑर्गेनिक बिगिनिंग की लाइफ थी, इट वॉज नॉट दैट लाइक ओरिजिनल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डिफरेंट टाइप की थ्योरीज आई, एवोल्यूशन होता रहा। इन बायोलॉजी एवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज over several generations and relies on the process of natural selection. So everyone know what is evolution. सबने आपने स्कूल टाइम से छोटे बच्चों की जो साइंस की बुक उसमें पढ़ते आ रहे हैं कि एवोल्यूशन क्या होता है, कैसे बायोलॉजी में एवोल्यूशन क्या होता है कि जो भी स्पीसी है हमारे जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पहुँचते हैं, लेकिन वो करेक्टरिस्टिक्स धीरे धीरे वो ख़त्म भी होते जाते हैं जो नीड में नहीं है, और जो चीज़ें चाहिए लाइक जैसे जिराफ है इसको इसने आपने पढ़ाई होगा ये ऑलरेडी, जैसे ये जिराफ है तो ही वॉन्ट्स टू ईट दिस ट्री लीव्स, और वो अपनी गर्दन ऐसे तो उठाता गया तो उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी गर्दन काफ़ी उठानी पड़ी। तो विद टाइम जो आगे की जनरेशन आई ये उठाता रहा तो बाय पुल उसकी थोड़ी गर्दन बड़ी होगी, फिर अगली जनरेशन में जो हुए उसकी और भी थोड़ी बढ़ गई होगी, ऐसे बढ़ते बढ़ते उनकी गर्दन ऐसे बढ़ गई। ठीक है, तो लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन व्हाट दे से, लेमार्क बिलीव दैट एन एनिमल कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट्स टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अपने रिसोर्सेज यूज करने के लिए अपने ले आते हैं। लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट फिजिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम such as greater development of an organ or a part through increased use could be transmitted to their offspring. ठीक है, तो वही बात है कि अगर जिराफ को लीज इसके लेने हैं खाने हैं तो उसके लिए उसे गर्दन उठानी पड़ती है, वो तब जिराफ को उठानी पड़ती थी तो उठाने में उनकी गर्दन काफ़ी ऊपर उठ गई और उनकी आगे वो जो फ्रैक्चर है वो आ गया अपने क्योंकि जीन्स में भी प्रेजेंट हो गए, एंड देन जो भी अब नेक्स्ट जनरेशन में जिराफ आता है उनकी जो नेक है वो काफ़ी लंबी होती है। देन कम्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन डार्विन बुक। ठीक है, तो डार्विन ने बहुत फेमस अपनी थ्योरी दी है नेचुरल सिलेक्शन की। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन 1859 इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स
changes over time as a result of the change in heritable change that allows an organism to better adapt to its environment will help it survive and have more offspring. तो वही है, जहाँ आपका environment है उसके accordingly आप adapt करते हो, और उस adapt करने के लिए आपकी body में कुछ changes हो, आपके mental changes हो, आपके जो भी environment के लिए आप जो भी आपकी body जो change show करती है just to adjust yourself in that environment, तो वो चेंज आगे आपके ऑफस्प्रिंग्स में भी पास ऑन होता जाता है. दिस इज नेचुरल सिलेक्शन. ईच स्पीसी शोज वेरिएशन. लाइक हियर इट्स रिटन, शट इट शॉर्टली, गेट ऑफ माय लैंड यू डिड. देयर आर कंपटीशन विद इन ईच स्पीसीज फॉर फूड, लिविंग स्पेस, वाटर. ठीक है, कॉम्पिटिशन होता है. एवरीवन वांट्स टू हैव फूड. The better adapted members of these species are more likely to survive. Survival of the fittest. Everyone knows सबसे famous theory, survival of the fittest. तो सबसे fit होगा वही competition को जीत पाएगा, वही वहाँ पे रह पाएगा. ठीक है, वही छोटी, क्या कहते हैं वो, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना. तो अगर यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर फिट, तो तभी आप इस चीज़ में अडाप्ट कर पाओगे और आप सर्वाइव कर पाओगे. तो अभी भी लाइक You can say this pandemic time also we consider survival of the fittest. जिन लोगों की immunity strong है, जो वो ही अगर fit रहेंगे इस environment में, and people survive also. So this the thing, the Charles ने theory दी है, this is definitely हर जगह apply होती है. These survivors will pass on their better genes to their offspring, who will also show this beneficial variation. ठीक है, तो ये genes हमारे आगे पास होते रहते हैं, changes आते रहते हैं body में, evolve होती रहती है body. This theory is sometimes described as survival of the fittest. It is known as survival of the fittest. Evolution by natural selection is one of the best sustained theories in the history of science, supported by evidence from a wide variety of scientific disciplines, including paleontology, geology, genetics, and developmental biology. ठीक है, तो basically जो evolution है उसमें काफी सारे scientific disciplines होते हैं, जिसमें अगर हमने एवोल्यूशन स्टडी करना है कैसे एवोल्यूशन हो रहा है, उसमें जियोलॉजी भी आएगा, उसमें जेनेटिक्स भी आएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आएगा. तो ये सारी जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, ये सारी की सारी इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड से मिक्स होकर, आपस में मिलकर ही, इंटर रिलेट होकर ही वो हमें एवोल्यूशन का प्रोसेस अच्छे से बता सकते हैं. अगेन चार्ल्स डार्विन, एवोल्यूशन के वही जिराफ वाला है. Long necked giraffes are randomly born and have more offspring due to their competitive advantage. Yeah, so ye chota hai, ye dekhiye, cheez khane ke liye iski long neck hai, and so that survival nahi ho payega. Jinki choti neck hogi, woh bhi die because of hunger. Woh fit nahi ho payega. Theek hai, to aapko adjust karna environment ke liye aapki body mein jaise jaise changes aayenge, agar aap us changes ko bear kar paoge aur tabhi aap us environment mein adjust. Then comes type of evolution. That is natural selection, bias mutation, genetic drift, gene flow. Then comes mutation and its type, point mutations, frame shift, chromosome mutations, deletion mutations. Then is types of evolution, divergent, convergent, parallel evolution. So here is divergent evolution. Convergent evolution of people of population.